कल माननीय जयंत चौधरी जी को वहाँ मेरठ में गिरफ्तार किया गया था। वो लोगों को सांत्वना देने गए थे, फिरने गए थे। यहाँ पर आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सभी ने कल जैन जी की गिरफ्तारी के विरोध में आज दीवानी चौराहे पर पुतला दहन किया गया है योगी का, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो योगी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इसको जमकर इसका विरोध करेंगे। और अगर हमारे नेता जैन चौधरी को कुछ होता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हमारा जी राव जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या आक्रोश है, क्या सरकार चाह रही है? प्रदेश और केंद्र की दोनों ही सरकार है, लोकतंत्र है देश का, उसको दबाने की, उसको मारने की पूरी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यदि कोई कहीं कोई घटना होती है तो विरोधी दल के नेता वहाँ पहुँचते हैं और यदि उनको ही रोका जाएगा, उनको ही बीच में यदि गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वहाँ विरोधी दल का नेता नहीं पहुँचेगा। ये इसकी ये जो मंशा है सरकार की, क्या सरकार पहले भाजपा के विरोध में नहीं रही है? सब लोग नेता जाते हैं, कोई घटना होती है तो यदि नेताओं को वहाँ नहीं पहुँचने दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। यदि हम इसकी निंदा करते हैं और आज प्रतीकात्मक हमने आज यह संदेश दिया है, प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है सीएम योगी का, और आगे भी यदि इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो राष्ट्रीय लोकदल सड़क पर आकर संघर्ष करेगा। इस तरह का आक्रोश है ये? देखिए, ये जन आक्रोश आज आप सड़कों पर देख रहे हैं, इसके पीछे साफ सी बात है, आज देश में और प्रदेश में तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है, हिटलर शाही फरमान जारी किए जा रहे हैं और यदि कहीं पर किसी व्यवस्था में किसी के साथ कोई आपदा आती है, कोई परिस्थिति आती है तो क्षेत्रीय नेता या हमारे राष्ट्रीय नेताओं को जब भी उनके साथ संवेदना प्रकट करने जाना हो या उनके दुख में शामिल होने जाना हो या उनका हाल जानने जाना हो, ऐसी स्थिति में भी सरकारें यदि उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही हैं। आपने देखा कल के दिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को गिरफ्तार किया, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? क्या ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, जो नेता हैं हमारे, क्या ये जनता के बीच में ना जाए? इनका तो मानना यही है कि इनकी लीडरशिप जो धराशायी हो जाए, ये लोग कोने में बैठ जाएं और हम लोग ही राज करते रहें। तो हम इनको आज यहाँ इस चौराहे के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से आज सड़कों पर उतरा है, उनका विरोध किया है, उनका पुतला दहन किया है, इस प्रकार की कार्यकलाप यदि सरकार का रवैया यही रहा तो निरंतर जारी रहेंगे, जनता सड़कों पर होगी, सरकार का विरोध होगा और सरकार को गिरना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। सही बात है। गौरव चौधरी ने आत्महत्या की है, प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव के खिलाफ सीधा सुसाइड नोट में लिखा हुआ है उसने कि मैं किन मजबूरियों में आत्महत्या कर रहा हूँ। उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी कल उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सरकार का जो रवैया है वो ऐसा तानाशाहीपूर्ण है कि अगर मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, प्रशासन से परेशान हैं, शासन से परेशान हैं, सरकार की नीतियों से परेशान हैं, किसान से लेकर के, छात्रों से लेकर के, नौजवान, बेरोजगार सब परेशान हैं। और अपनी आवाज़ को जब कोई सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ दबाई जाती है। उसको लेकर के हमने आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है, पार्टी के सभी लोगों ने इकट्ठे होकर। आज उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कुरीतियों को लेके जो जनता के प्रति एक अहित कार्य कर रहे हैं, जनता की संवेदनाओं में जो व्यक्ति, जो राष्ट्रीय नेता उनके संवेदना करने जाते हैं, उनके परिवारों से मिलने जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी को भी गिरफ्तार किया गया, उसके देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल जनता के साथ सड़कों पर उतरने का कार्य करेगा और हर चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार की पुतला दहन करने का कार्य करेगा। भाई साहब, हमारा ये प्रदर्शन था जो पुतला दहन किया है,
योगी सरकार और मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। जिस तरह की कोई भी आवाज़ किसानों के लिए उठाते हैं, युवा छात्रों के लिए उठाते हैं, तो ये सरकार उसे दबाने का काम करती है। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को 3 घंटे तक पुलिस लाइन में बिठाया गया, जब वो उसके राहुल जी जो उसने सुसाइड किया है, और प्रशासन ने इतनी यातनाएं दी थी उस लड़के को, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। जब उसका विरोध करने के लिए हमारे नेता जा रहे थे, उन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया है मोदी सरकार और ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार का। तो राष्ट्रीय लोकदल चुपचाप बैठने वाला नहीं है, सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगा चाहे उसके लिए। और ये जो भी होगा, जो किसान विरोधी, युवा छात्र विरोधी और जो इनकी नीतियां चल रही हैं दमनकारी, उनके खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा।